थेल्स थ्योरम देखेंगे, जिसको हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी कहते हैं और बीपीटी। ये थ्योरम कहता है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल एंड इट इंटरसेक्ट द अदर टू साइड एट ए टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन इट इज डिवाइड्स द टू साइड इन द सेम रेशियो। डेट इज ए सपोज डैट, मान लेते हैं कि ये आपका कोई ट्रायंगल्स है, ठीक है, ट्रायंगल्स का ए, सपोज ट्रायंगल्स है आपका ए बी और सी, ठीक है। इस ट्रायंगल के वन साइड का पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं, लिखा हुआ और लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, एक एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, जो अदर टू साइड को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट सपोज दैट डी और ई, डी और ई पर इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, तो डिवाइड करता, तो टू साइड इन द सेम रेशियो मीन्स जो साइड, जो दो साइड पे डिवाइड करता है वो साइड का रेशियो, डेट मीन्स ए डी बाई डी वी और ए ई बाई ई सी का रेशियो सेम होगा। इट इज गिवेन, हम लोग देखेंगे, चलिए देखते हैं गिवेन क्या है। गिवेन डी ई पैरेलल बी सी, ठीक है, डी पैरेलल बी सी है हम लोग, और टू प्रूव करके करना है, टू प्रूव ए डी, ए डी बाई डी बी, ए डी बाई डी बी इजिकल टू ए बाई ई सी, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। इस प्रूफ के लिए हम लोग एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, डी से, फ्रॉम डी से फ्रॉम डी ड्रॉ डी एन परपेंडिकुलर टू ए सी, डी एन परपेंडिकुलर ए सी एंड ई एम परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है, ये हम लोग कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। आइए हम लोग प्रूफ करते हैं, और ऑल्सो सॉरी, डी से ज्वाइन ज्वाइन डी सी एंड बी ए, ठीक है, डी सी और बी को भी ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में आपको फ्रॉम डी से डी एन परपेंडिकुलर ए सी डालेंगे और फ्रॉम ई से ई एम परपेंडिकुलर ए बी पे डालेंगे, ठीक है, फिर ज्वाइन डी सी और ई बी, बी को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। आइए टू प्रूव में प्रूव करते हैं हम लोग, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इजकल टू ए डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी इजकल टू वन बाई टू इंटू, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस अगर सपोज डेट हम लेते हैं ए डी, ए डी को बेस मान लें तो हाइट कितना हो जाएगा ई एम, ठीक है, हाइट हो गया। ऑल्सो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई इजकल टू डी बी ई, देखिए डी बी ये ट्रायंगल है, डैट मीन्स ये आपका डी बी ई ट्रायंगल है, जिसका हाइट आपका कहाँ
आपका एक्सटेंड फॉर्म में होगा, यहाँ पे हाइट डाला गया है, ई एम हाइट डाला गया है, ठीक है, ई एम आपका हाइट है। चलिए तो इसके में आप लिखेंगे वही आपका हाफ इंटू बेस का काम कौन करेगा, डी बी डी गुने इंटू ई एम, ठीक है, दोनों का रेशियो निकालते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई वाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई इक्वल टू 1/2 इंटू ए डी इंटू ई एम बाई 1/2 इंटू बी डी इंटू ई एम, ठीक है, 1/2 कट गया, ई एम कट गया, बच गया ए डी बाई बी डी, ठीक है, ए डी बाई बी डी हो गया। अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इजकल टू 1/2, अब हम लोग क्या करेंगे, ए डी का बेस लेंगे ए, तो ए गुने और हाइट का काम कौन करेगा, डी एन, ठीक है। इसी तरह फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी ई, चाहे ई डी सी चाहे सी ई डी, तो डी सी ई इजकल टू 1/2, इसी तरह बेस का काम कौन करेगा, ई सी बेस करेगा, और इसमें भी हाइट का काम करेगा डी एन, ठीक है, ये दोनों को फिर से रेशियो निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी ई इजकल टू 1/2 ए इंटू डी एन बाई 1/2 इंटू ई सी इंटू डी एन, ठीक है, 1/2 हाफ कट गया, डी एन डी एन कट गया, क्या बचा, ए वाई ई सी, ठीक है। वी नो डैट इस ट्रेंगल में देखेंगे कि ए डी पैरेलल बी सी है और इसके सेम कॉमन बेस डी पे दो ट्रेंगल्स बन रहा है, एक ट्रेंगल्स का नाम है डी बी ई एंड एक ट्रेंगल का नाम है डी सी ई, ठीक है। तो आप 9th क्लास में पढ़े होंगे कि ठीक है, एक कॉमन बेस पे एंड टू पैरेलल लाइन के बीच में अगर ट्रेंगल स्लाइस करता है तो दोनों का एरिया सेम होता है। लेट इज वी नो डैट ट्रेंगल्स एट अ कॉमन बेस डी, ट्रेंगल्स एट ए कॉमन बेस डी एंड लाई बिटवीन टू पैरेलल लाइंस हैव सेम एरिया, ठीक है, तो देयरफॉर लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई इजकल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी ई, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन हेंस बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी ई इजकल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी ई, ठीक है, डेट इज एरिया ऑफ ट्रेंगल ए डी ई बाई डी बी इजकल टू, इधर से हो गया आपका ए डी बाई डी बी इजकल टू, इधर से आपका हो गया एरिया ऑफ ट्रेंगल ए डी बाई एरिया ऑफ ट्रेंगल डी सी ई इजकल टू ए बाई ई सी, तो ए बाई
एसी। डेट इज ए, हमें प्रूफ क्या करना था आपको, ट्रेंगल में ए डी बाई डी बी इजकल टू ए बाई ई सी। तो आपका ए डी बाई डी बी और ए बाई ई सी, ये आपका थेल्स थ्योरम ये प्रूव्ड हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।